नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं यूपी के जनपद सीतापुर ब्लॉक महमूदाबाद की ग्राम पंचायत रमद्वारी में हैं और स्वच्छता अभियान को लेकर के सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी का सपना है कि स्वच्छता अभियान को लेकर के बात कर रहे हैं। कैसे होगा उनका सपना जबकि गांव-गांव में सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं कि अगर हर घर शौचालय तो दे ही रही है सरकार जो 12,000 रुपए किस्तों में आता है, डायरेक्टली खाते में आता है, और गांव में हर ग्राम पंचायत में देखेंगे सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि यहां पे जो शौचालय बना हुआ है, कई बार हमें शिकायत भी मिली है कि यहां पे कभी ये शौचालय खुलता नहीं है। अगर खुलता नहीं है तो यह देखने के लिए बनाया गया या फिर इसमें अचार डालने के लिए बनाया गया, किस लिए ये जो है शौचालय बना दिया गया। और शौचालय के आस पास तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है गंदगी भी फैली हुई है, ताला पड़ा हुआ है। अब यहाँ देखने वाला कौन है, ये ताला लटकता हुआ आपको नजर ही आ रहा होगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है अब इसके अंदर की पोजीशन तो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ताला पड़ा हुआ है और कूड़ा भरा है, कूड़ा भरा है। अच्छा, ये जो ये लाइट वाला तार तो नहीं है ना? नहीं, लाइट नहीं आ रही। और हम दिखाएंगे यहाँ समय, देखिए समय पड़ा है सुबह 5 बजे से 10 बजे शाम 4 बजे तक, मतलब 5 बजे ये 10 बजे क्यों पड़ा है? सुबह 5 बजे से खुल जाना चाहिए ना इसको, शाम 4 बजे मतलब 8 बजे तक, क्योंकि गांव में अगर जिनके घर में शौचालय नहीं बना है, उनके घर में कोई इमरजेंसी कोई मेहमान आ जाता है या कोई अधिकारी यहाँ पे पंचायत भवन, तो बगल में पंचायत भवन भी दिखा दीजिए वहाँ पे, वो तो खैर विवादित मामला चल रहा है, उस जानकारी मिल रही है। ये जो है सामुदायिक शौचालय, अगल बगल आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी फैली हुई है, अंदर की पोजीशन हम क्या दिखाएं आपको क्योंकि इतना जो है ताला पड़ा हुआ। कभी ये शौचालय खुलते हैं, ग्रामीण है उनसे बात करते हैं, कभी ये शौचालय खुलता है भाई? नहीं खुलता नहीं। कहाँ रहते हो आप? क्या नाम है आपका? मनीराम। इसी गाँव में रहते हो? जी। शौचालय कभी खुलता है? कभी नहीं खुला है। कभी नहीं खुलता? सब इसमें शौचालय में इसमें सब कूड़ा भरा हुआ है, कोई साफ करने वाला पड़ा है तो हम हकीकत नहीं दिखा सकते। हाँ, इसके अंदर कोई साफ करने वाला पता चल रहा है? कोई साफ करने वाला आता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जब से ये बना है, जब से बना तब से नहीं कोई आया, एक बार भी नहीं खुला? अभी एक बार भी नहीं। अच्छा, खुलता नहीं वैसे? अच्छा, ये ग्रामीण है, ये ग्रामीण है, जब मौके पे हम देख रहे हैं ताला पड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे? हमारे सामने साफ हुए थे। अच्छा बताइए, ग्रामीण है, झूठ बोल रहे हैं? ये ग्रामीण है। सबसे ज्यादा विकास अगर गांव में होगा तो ग्रामीणों को पता होगा, गांव की नाली खरंजा गांव में अगर बनेगा तो सबसे पहले ग्रामीण को पता होगा। सफाई की हम शक्ल नहीं देखे, कौन सफाई कर्मी है? ये तो हमें देखे, हमारा कैमरा भी जो है इसको कैद कर रहा है, अगल बगल तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। और गांव के जो शौचालय के अंदर की क्या पोजीशन है हम आपको कैसे दिखा सकते हैं? ग्रामीण खुद है ग्रामीण, क्योंकि ये सब जो विकास होता है गांव में ग्रामीणों के लिए ही किया जाता है। सरकार कितने भी वादे कर ले, कितना भी रुपया खर्च कर ले कि गांव में बहुत ही बेहतर जो है सुरक्षा, बेहतर जो है विकास पहुंचे, लेकिन कहां पहुंचेगा? जब भ्रष्ट प्रधान और भ्रष्ट अधिकारी होंगे तो कहां से विकास हो जाएगा? यहां के प्रधान का क्या नाम है? राजू। राजू प्रधान नाम है? अच्छा, वो पहली बार प्रधानी पाए हैं? इससे पहले भी पहली बार पाए हैं तो हमें लग रहा है प्रधानी चलाना नहीं आता, ऐसे मतलब प्रधान बना दिए। वोट तो दिए होंगे ना? नहीं दिया। नहीं वोट नहीं दिया? हम लोग वोट नहीं चलाने आती। अच्छा, तमीज ही नहीं तो अच्छा ये बताइए, हम एक बात और भी जान लेते हैं, जैसे प्रधान पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको प्रधानी गांव का मुखिया बना दिया जाता है, क्या इसके लिए कुछ डिग्री? कहा जाता है इतने मट्टी पर है तो फोन उनके चमचालवा कह देते हैं कि मतलब यहाँ माटी अपने द्वारे डाल रहे हैं, माटी नहीं पटावे देते हैं, यहाँ तक आवत है। तो ये शौचालय तब से खुला नहीं, एक बार भी? एक बार नहीं खुल रहा है। इसके अंदर की पोजीशन? अंदर बाहर देख लो, लैट्रिन सब बाहर पड़ी है, बाहर आदमी जाते हैं कि इमा जाते, अगर ताला खुला हो तो बाहर ही लैट्रिन। यहाँ देख रेख कौन करता है? क्योंकि जैनब अपने घर बैठे हुए, शक्ल नहीं देखे हैं कि जैनब कौन है। जैनब जेल चली गई, अभी लड़का बता रहा था और कोई और देख रहा है, कोई बता रहा चाचा कोई है? नहीं, वो आया नहीं है जेल में। जेल बताया क्या है तो हम उसको नहीं? अच्छा जी, दादा जी बताइए, बिल्कुल हम जानना चाहते हैं क्योंकि और बगल में पंचायत भवन बना हुआ है, ये विवादित विवादित मान कर चलिए या बाधित थी, गवर्नमेंट की चीज है, गवर्नमेंट तो अपनी जगह ले सकती किसी भी वक्त, ठीक है। आपने दीवानी दायर रखा, जब आप जीत जाएंगे तो आप ले लेंगे। लेकिन ये विवादित जगह पे बनाए, और भी तो खलिहान की जगह पड़ी होंगी ना? खलिहान में नहीं बन सकता है? नहीं मतलब और ग्राम सभा की जमीन पड़ी होगी, सरकारी जमीन गांव में जो खाली? हमारी बात सुनिए, खलिहान चरागाह इमारती लकड़ी बंजर में नहीं बनाया जा सकता, जब होगा तो बंजर में या आबादी में। अभी पंचायत और कम्प्लीट नहीं है पूरा?
काम था? इसमें मात्र जो किस्ते बाकी हैं 80,000 आया था, जिसमें से 60,000 रुपए कंप्यूटर खर्च कटा है, 20,000 रुपए का जो जानकारी अभी सूत्रों के द्वारा जो मिल रही है, जैसे सूचना मिल जाती है कि पैसा निकल गया है इसका, लेकिन काम तो अधूरा दिख रहा है। जब विवादित था पैसा निकालने की क्या जरूरत थी? 3.5 लाख रुपए है खाते में, अच्छा आना बाकी है, और इसमें से जो आया पैसा उसमें से वायरिंग हुई है। अब ये दिखा दीजिए, उधर महिला जो है शौचालय का ताला खोल दी है, और हम अंदर चल के दिखाते हैं। और शौचालय देखिए, अब देखिए जैसे हम कैमरा लेकर के पहुंचे वैसे जो है शौचालय खुल गया। अगर हम नहीं आते तो शौचालय नहीं खुलता। आंटी क्या नाम है? अभी बंद करके हम गए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा हाँ। रामखली। आप ही देखभाल करती है इसकी? हाँ। तो तनख्वाह मिलती है ना? हाँ। कितना मिलता है? अब हमका 4,000 कहे ना दिया भाई। 4,000 कहे? कौन कहा? प्रधान कहे हैं? हाँ वही दीदी से। अच्छा 4,000 रुपए मतलब महीने का मिलेगा? हाँ। कितना कितने दिन खोलती है? अब हम 10 तारीख खोले, 10 तारीख इसके पहले कौन प्रधान ने कुछ रुपए पे रख रखा है। अच्छा जो इसमें पोस्टिंग है वो तो हो सकता है 302 की सूची में या कहीं भाग गई। अच्छा अभी अभी आप जल्दी से इसको जो है खोल के मतलब खोलना स्टार्ट किए? अच्छा ये बताइए, अच्छा अंदर दिखा दीजिए। अब अभी हम बंद करके अभी आप खोल ही नहीं है तो हम शौचालय के अंदर जो है हम दिखा देते, ताला खोला जाए इसके, हम पोजिशन भी दिखाएंगे। चालू है, चल रहा है, ये देखिए इसको अभी तो चालू ही नहीं है, पूरा जो डिब्बा होगा सब पलटा पड़ा हुआ है, कुछ चालू ही नहीं है इसमें, ये तो कुछ चालू ही नहीं है। और भी दिखाओ उसमें, यहाँ तो कुछ जो है चालू ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, ऐसे इसमें कुछ भी इसमें नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है। अच्छा ये बताइए, जब ये खोल मतलब जो है चालू ही नहीं है, तो इसमें किस लिए मतलब आपको रखा गया, किस लिए तनख्वाह दी जा रही है? अरे इसलिए इसमें तो लेटरिन भरी थी, हमने साफ किया उसमें, इसमें अच्छा आपने साफ किया? हाँ साफ किया सब। हाँ। सब लेटरिन भरी रहा ऊपर, हमने सबको उधर उनका क्या कहते हैं दिखाए रहे सबका। हाँ। तो अभी हमारे ताला पड़ा था और सब सब भी हम बाहर झाड़ते, अभी 10 बजे बंद करके हम गए हैं। अच्छा सुबह खोल गए थे 5 बजे 10 बजे। हमें जो जानकारी मिली थी आंटी की यहाँ पे शौचालय कभी नहीं खुलता है, तभी हम लोग आए थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रोज डेली हम खोले थे ताला। अभी अभी ग्रामीणों से हमने बात की जो मौके पे यहाँ रहते हैं, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे शौचालय कभी खुलता ही नहीं, रोज डेली खोले थे। हाँ रोज डेली हम खोले थे, अभी हम बंद करके गए हैं 10 बजे। बहुत भारी रहा, हम साफ के हैं, पानी वाले कुछ नहीं है, पानी की कोई सुविधा ही नहीं है। पानी की कोई सुविधा नहीं है, हम लेटरिन वाला कनेक्शन है जो पानी वाला, नहीं सभी क्लियर। यू तो हम कहा करती है, प्रधान से कह सकती है कि अगर हमें रखा गया है तो यहाँ जब पानी नहीं चलेगा तो जो शौच के लिए जाएंगे वो पानी कहाँ से लाएंगे? तो हम तो हम यू पानी जिम्मेदार करो, सिर्फ आपको यहाँ पे बिठा दिया गया है, झाड़ बहार कर दी है, हम सफाई कर। सरकार के पास हमें लग रहा है कुछ ज्यादा ही पैसा है, क्योंकि विकास की गंगा इस तरह बहाते हैं कि पैसा ही पैसा बहा दे, लेकिन विकास की गंगा कहाँ बहती नजर आई है? ग्रामीण क्षेत्र में जब जाएंगे, जमीन स्तर पर जाएंगे, तब आपको जो है जानने को मिलेगा, बेहतर जानने को मिलेगा। अब शौचालय तो खुल गया, लेकिन यहाँ पानी वानी की तो कोई व्यवस्था ही नहीं। अगर कोई शौच के लिए जाता है तो पानी वो क्या घर से लाएगा? और भी बता दूं आपको कि जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम लगातार जो है क्षेत्र में गांव में विकास की हम गंगा बहा रहे हैं, तो विकास की वाकई में गंगा बहा रहे हैं, पैसा लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, लेकिन सामुदायिक शौचालय बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को क्या फायदा हो रहा है सामुदायिक शौचालय से? भाई साहब बताओ, जनता को क्या फायदा हो रहा है ये सामुदायिक शौचालय किसने बनाया जाता है? जनता को यह फायदा है कि नल लगा है, टंकी भी लगे है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है, घर घर का घर से लावे पानी तब वहाँ लेटरिन करे। तो अभी इतनी गंदगी अंदर है तो देख आए हो, पानी नहीं चला उसमें, कुछ पानी वानी है कुछ नहीं, वही काहे सुविधा नहीं है। अभी अभी आपके सामने दादी कह रही कि हम डेली खोलते हैं। हाँ। लगता है कि आपको डेली सोचा, क्योंकि मौके पे हमने देखा ताला लटकता हुआ था। अब इसके पहले क्या होगा आप बताइए, जब हम दौड़ के आए तो आंटी दौड़ के आई और खोल दी, बता रही है अभी 10 बजे बंद करके हम गए हैं, अभी 10 बजे पहली बार खुला है मेरे साथ। अच्छा पहली बार, पहली बार देख सकते हैं कि शौचालय जिस तरीके से बंद था, और मीडिया कर्मियों को देखते ही आंटी दौड़ करके जो है शौचालय का दरवाजा खोला है, और ग्रामीण जो है यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि कभी शौचालय खुला ही नहीं था, जनता को आखिर क्या है फायदा? और आंटी
बनाए जा रहे हैं, सारी व्यवस्था सरकार दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितनी व्यवस्थाएं, कितनी सुविधाएं जनता को मिल पा रही है। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए इंडिया की सोच। कैमरामैन पंकज।